भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय रेलवे रोड करनाल पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस मौके पर अपने खून पसीने से सींच कर भाजपा को विशाल वट वृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों व नेताओं को कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। योगेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश व देश में हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को करवाया है, जिसे आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा। सरकार की अंत्योदय नीति से सबसे पहले लाइन में पीछे खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, जिससे पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय को अपना मूल मंत्र मानकर राष्ट्र सेवा में समर्पित पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे संगठन की नींव है। इस मौके पर जसपाल वर्मा, महामंत्री निर्मल बहल, संजय बत्रा, KL जावा आदि मौजूद रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज सारे जिले में, सारे हरियाणा में, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस दिवस को मना रहे हैं और अपने अपने घरों पे कार्यकर्ता झंडा फहरा रहे हैं और पार्टी के जो विचार है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसको आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं। ऐसा पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर आज ये कार्यक्रम मन रहा है और करनाल में भी, करनाल जिले में भी, सभी जिलों में, सभी जिले के जितने 1142 बूथ हैं, सभी पे ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पार्टी की रीति नीति के बारे में बड़े विस्तार से बताया। आज जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जो हमारे पूर्व में नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार है, उन सबको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे स्वर्गीय आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे JP नड्डा जी हो, वो सब कार्यकर्ता, उन्हीं की बदौलत आज ये भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर है। और इस देश के अंदर जो सबसे गर्व की बात है, पिछले 6 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और हरियाणा में भी है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, वो आप सब भली भांति जानते हैं। और हरियाणा के अंदर भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा सरकार चल रही है, वो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का नारा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, केवल उसको नारे को नारा ना रहकर उस नारे को जो साकार करने का काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सभी 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास कराया है, ये इस जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके विचार को लेकर जो अंत्योदय का विचार है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दिया है, उसको लेकर पार्टी काम कर रही है। आज के इस पावन दिवस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और इस देश में का ऐसे ही विकास करती रहे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।